Good morning, dear students. In previous video we have learned about the tenses and we have done present tense in previous video. Students, there are three type of present tense. Students, in fifth class we are only doing three type of every tense. We are not doing perfect continuous tense in fifth class. So there are three type of present tense: simple present, present continuous, and present perfect. In simple present, there is we use first form of verb. याद रखना आपको, simple present में we use first form of verb. Students, sentence का pattern होता है subject verb की first form. First form को s या es लगाते हैं plus object. स्टूडेंट्स, हम एस या ई एस कब लगाते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू यू होता है मेनली, मतलब कि, और थर्ड पर्सन ही शी इट और एनी नेम, कोई भी चीज़. तो जो ये वाला थर्ड पर्सन है, अगर ये सिंगुलर है, जैसे ही आता है, शी इट या कोई भी नाम अकेला, जैसे कि कोई चीज़, जैसे एप्पल या फिर जैसे बुक, इस तरह से अगर सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट में सिंगुलर चीज़ें होती हैं थर्ड पर्सन में, तो हम उसके साथ जो वर्ब होती है उसको एस या ई एस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर ही राइट्स अ लेटर. और फिर हम जो नेगेटिव होता है उसमें डू नोट, डज नोट कर देते हैं, और जब इंटरोगेटिव होता है तो जो डू डज होता है उसको स्टार्टिंग में कर देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद सब्जेक्ट होता है. तो इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसमें इज एम आर लगता है, वर्ब के साथ आई एन जी लगता है. और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैज हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस किया था स्टूडेंट्स. एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू पास्ट टेंस. स्टूडेंट्स, इन द सेम वे देर आर थ्री टाइप ऑफ पास्ट टेंस: पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट. स्टूडेंट्स, हम इनको ऐसे कोरिलेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पास्ट, तो इसको बोलेंगे सिंपल पास्ट, फिर हम पास्ट को देख के फिर बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस. एंड इन दिस वे वी विल सी पास्ट, एंड पास्ट के बाद हमें देखना है पास्ट परफेक्ट. तो इस तरह से ये तीनों कैटेगरीज की करेंगे. फर्स्ट है सिंपल पास्ट. इन सिंपल पास्ट देयर इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. इन सिंपल पास्ट देयर इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. And the sentence pattern of affirmative sentences will be subject plus verb की second form plus object. Students, जब second form होती है past tense में, तो हम जैसे ही wrote a letter, उसने पत्र लिखा या उसने पत्र लिख दिया है, तो इस तरह लिख दिया, तो ऐसे ही रोट आ लेटर. स्टूडेंट्स, जब हम नेगेटिव में करते हैं तो नोट तो लगता ही है नेगेटिव में, तो जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है तो डू नोट, डज नोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है. जब सेकंड फॉर्म का नेगेटिव बनाते हैं, नोट लगाते हैं, तो डिड नोट लगाएंगे. सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ही डिड नोट राइट अ लेटर. स्टूडेंट्स, हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ही डिड नॉट राइट अ लेटर. एंड देन वी विल मेक इट्स इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में जो डिड है, डिड को हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, डिड ही, और यहाँ पे फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म, डिड ही राइट अ लेटर. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको एक जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको तीनों तरीके से कैसे यहाँ पे सिंपल में तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म होती है, नेगेटिव में डिड नोट लगता है, और इंटरोगेटिव में जो डिड है वो आगे आ जाता है सब्जेक्ट से, डिड ही राइट अ लेटर, और बाद में क्वेश्चन मार्क. तो ये सिंपल पास्ट टेंस है. उसके बाद हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस. स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसमें हम ऐसे कोरिलेट करके देखेंगे एक एक को. इसमें इज एम आर और वर्ब के साथ आई एन जी लगा था, तो यहाँ पे हम इज एम आर का पास्ट क्या बन जाता है? वॉज वर्ब. तो यहाँ पे हम वॉज वर्ब और वर्ब के साथ आई एन जी लगा देंगे. जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, उसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था. एंड देन वी विल मेक इट्स नेगेटिव
ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर एंड देन वी विल मेक इट्स इंटरोगेटिव. जो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जैसे जैसे यहाँ पे दो तरह की वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब. जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब है, मेन वर्ब राइटिंग है. तो जो हेल्पिंग वर्ब है जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे. जैसे यहाँ पे रखा है वॉज, फिर सब्जेक्ट ही वॉज ही, फिर मेन वर्ब राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर वॉज ही राइटिंग अ लेटर, बाद में क्वेश्चन मार्क. तो नेक्स्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट. स्टूडेंट्स परफेक्ट के नाम से ही हमें ध्यान रखना है कि हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. जैसे कि सिंपल हम को रिलेट करेंगे, है ना, हर एक टेंस को इस तरह से रिलेट करके देखेंगे. जैसे सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म. तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैज़ हैव का पास्ट क्या बनता है, हैड बनता है. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में तो ये पैटर्न रहेगा, नेगेटिव में हैड नोट लग जाएगा, जैसे ही हैड नोट रिटन अ लेटर. एंड इन इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो हैड को हम आगे रखेंगे सब्जेक्ट से, हैड ही, और फॉर्म रहेगी थर्ड हमेशा, हैड ही रिटन अ लेटर एंड देन क्वेश्चन मार्क. So in this video we have done the past tense. जैसे हम past tense से कोई और sentence कैसे बना सकते हैं, जैसे उसने खाना खाया तो he ate food और negative में he did not eat food और interrogative में did he eat फूड. तो इस तरह से हम पास्ट टेंस में कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं. एंड विद दिस आवर वीडियो इज़ फिनिश्ड. थैंक्स.